हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फार्मेसी इंडिया। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज्ड इन माइग्रेंट्स के बारे में। तो इन ड्रग्स के क्लासिफिकेशन को अगर हम एक सिंपल से ट्रिक के साथ याद करने की कोशिश करें तो फिर ये हमारे जी पैट नाइपर सेमिस्टर, ड्रग इंस्पेक्टर या फिर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू माइग्रेन देख लेंगे कि एक्चुअली माइग्रेन होता क्या है। तो माइग्रेन हमारा एक ऐसा मिस्टीरियस डिसऑर्डर है व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय पल्सेटिंग हेडेक एंड इट इज मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड टू वन साइड ओनली। तो जो हमारा माइग्रेन होता है इट्स अटैक लास्ट फॉर अराउंड 4 to 48 आवर, 4 से 48 घंटे तक का इसका अटैक चलता रहता है। कभी कभी माइग्रेन एक्चुअली थोड़ा सीवियर भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है या फिर माइल्ड भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये 4 से 48 घंटे तक एक्ट करती है, उसे ज्यादा नहीं करती है। सो इट इज एसोसिएटेड विथ नोजिया, वॉमिटिंग या फिर सेंसिटिविटी टू लाइट या साउंड, फ्लैशेस ऑफ लाइट। जब अगर हमारे आंखों में लाइट पड़ती है तो फिर ज्यादा हमारा सरदर्द होने लगता है, वॉमिटिंग जैसी फील होने लगती है, नोजिएटिंग फील होने लगती है, लाइट और साउंड से हमें ज्यादा दिक्कत होने लगती है और वर्टिगो हमें होने लगता है। तो ये सारा माइग्रेन का सिम्टम्स है। तो तो हम अभी ड्रग्स पढ़ने वाले हैं वो हमारे माइग्रेन को ठीक करने में हेल्प करती है। या तो ये माइग्रेन माइग्रेन के एक्यूट अटैक को ठीक करती है या फिर हम प्रोफाइलेटिकली माइग्रेन के लिए ट्रीटमेंट लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक्यूट अटैक में कौन कौन से ट्रीटमेंट यूज होते हैं वो देख लेते हैं। तो एक्यूट अटैक में हम यूज कर सकते हैं एनएसएआईड यूज कर सकते हैं, एर्गो डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं, एंटी एमेटिक या फिर ट्रिप्टन ड्रग्स भी यूज कर सकते हैं। तो इससे इसको हम याद रखेंगे, एक्यूट इज नीड, एक्यूट अटैक, एक्यूट से एक्यूट अटैक याद रखेंगे, एक्यूट इज नीड, नीड से हम एनएसएआईड, एर्गो डेरिवेटिव, एंटी एमेटिक एंड ट्रिप्टन्स याद कर सकते हैं। तो एक्यूट अटैक में सबसे पहला क्लास हमारे पास है एनएसएआईड, जिसमें हमारे पास है एस्पिरिन, पैरासिटामोल एंड आइबुप्रोफेन। एर्गो डेरिवेटिव में हमारे पास है एर्गोटामिन, डायहाइड्रोएर्गोटामिन, एर्गोमेट्रिन एंड ब्रोमोक्रिप्टिन। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं कि एनएसएआईड ने एपीआई, एपीआई मतलब एस्पिरिन, पैरासिटामोल, आइबुप्रोफेन, एपीआई एपीआई एर्गो से लेकर, एर्गो से मतलब एर्गोटा, एर्गो डेरिवेटिव से लेकर ट्रेन में, ट्रेन मतलब एर्गो मेट्रिन, मेट्रिन को हम ट्रेन याद रख सकते हैं, एर्गोटामिन एंड एर्गोमेट्रिन को हम ट्रेन से याद रख सकते हैं, ट्रेन में ब्रोमो के हाइड्रो में दिया, ब्रोमो मतलब ब्रोमोक्रिप्टिन के हाइड्रो मतलब ब्रोमोक्रिप्टिन के डाइहाइड्रो, डाइहाइड्रो एर्गोटामिन में दिया। नेक्स्ट वी हैव एंटी एमेटिक ड्रग्स। तो एंटी एमेटिक ड्रग्स में हमारे पास है मेटोक्लोप्रामाइड एंड डाइफेनहेड्रामिन। ट्रिप्टन्स में हमारे पास है सुमाट्रिप्टन एंड रिज़ाट्रिप्टन। तो इसको हम याद रख सकते हैं, एमडी आंटी सुमन और रिजा को ट्रिप पे लेके गई। जो एमडी आंटी है, एमडी मतलब मेटोक्लोप्रामाइड एंड डाइफेनहेड्रामिन आंटी है एंटी एमेटिक ड्रग के ड्रग में, उन्होंने क्या किया कि सुमन और रिजा को ट्रिप पे लेके चली गई। वो आंटी सुमन मतलब सुमाट्रिप्टन और रीजा मतलब रीजा ट्रिप्टन को ट्रिप, ट्रिप मतलब ट्रिप्टन, ट्रिप से हम ट्रिप्टन याद रख सकते हैं इजिली, पे लेके चली गई। तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज हमें याद रखनी है कि जो रीजा ट्रिप्टन होता है वो सबसे फास्टेस्ट एक्टिंग ट्रिप्टन होता है। तो इसको हम याद रख सकते हैं, प्रो इज अ बीसीओ, प्रो इज अ बीसीओ मतलब प्रोफाइलेक्टिकली ड्रग इज ए से हम एंटी कन्वर्जेंट एंटी डिप्रेसेंट याद रख सकते हैं, बीसीओ, बीसीओ मतलब बीटा ब्लॉकर, CO मतलब कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड O मतलब अदर्स। तो सबसे पहले क्लास हमारे पास है एंटी कन्वर्जेंट, जिनमें हमारे पास है गाबापेंटिन एंड सोडियम वेलप्रोएट, एंड एंटी डिप्रेसेंट में हमारे पास है एमिट्रिप्टिलिन। तो इसको हम याद रख सकते हैं, गाबा वाला अम्मी, जो गाबा वाली अम्मी है उसको डिप्रेशन है, गाबा वाली अम्मी को डिप्रेशन है, गाबा मतलब गाबापेंटिन, वाले से हम वेलप्रोएट याद रखेंगे और अम्मी को डिप्रेशन है मतलब एंटी डिप्रेशन जो ड्रग है वो एमिट्रिप्टिलिन है, ये हम याद रख लेंगे। देन नेक्स्ट वी हैव बीटा ब्लॉकर। तो बीटा ब्लॉकर में हमारे पास है एटेनोलॉल, टिमोलॉल, प्रोपेनोलॉल, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर में हमारे पास है वेरापामिल, लुटियाज़ेम, अदर्स में हमारे पास है सिप्रोहेप्टाडिन एंड मेथिलसल्फाइड। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, बीटा ब्लॉकर को हम सिंपली एटीपी करके याद रख सकते हैं, एटीपी मतलब एटेनोलॉल, टिमोलॉल एंड प्रोपेनोलॉल। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर को हम ऐसे याद रख सकते हैं कि वीरा का दिल, वीरे का दिल, वीरा, वीरा मतलब वेरापामिल, दिल मतलब लुटियाज़ेम को कैल्शियम ने ब्लॉक किया, वीरा के दिल को कैल्शियम ने ब्लॉक कर दिया, तो वेरापामिल एंड डिल्टियाज़ेम कम्स अंडर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। देन नेक्स्ट वी हैव अदर ड्रग्स। अदर जो ड्रग्स हमारे यूज होते हैं इसको हम ओ सी एम करके याद रख सकते हैं, ओ सी एम, सी एम मतलब सिप्रोहेप्टाडिन एंड
बताया जाता है। दिस वॉज ऑल गाइज, होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। थैंक।